Alright guys, hello, my name is Amir. Welcome back to the new video of the channel. So today we have like a question ki ek spring hai jo vertically designing ki hui hai, jahan pe spring constant k diya hua, isse h upar ek ball ko release kiya gaya, to because of that ye spring hai na decompressed ho gaya, theek? To aapko batana hai ki the net work done jo hoga pure process mein wo kitna hoga. Bahut hi simple question, par ek chhota sa माइनर मिस्टेक जो होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है मैं बता दूंगा. मेरे को नेट वर्क डन की तरफ मूव करना चाहिए, तो यहाँ पे जब वो बॉल को रिलीज किया होगा टिल वो स्प्रिंग को टच नहीं किया होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जैसे स्प्रिंग को टच किया होगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी वर्क डन हुआ. तो देर आर टू फोर्सेस बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन मेरे को निकालने का. तो लेट्स मूव, जब ये स्प्रिंग को डीकंप्रेस किया यहां से एच ऊपर से गिराया गया, तो एक्चुअली में बॉल कितना नीचे आया, एच प्लस डी नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा एम जी एच प्लस डी, क्योंकि थीटा जीरो डिग्री दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यही आएगा हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब स्प्रिंग फोर्स है ना, जब उसको कंप्रेस करते हो तो ऑपोजिट लगता है, जब एलोंगेट करते हो तब भी ऑपोजिट लगता है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो नेगेटिव हो गया भैया. कितना हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वो हो गया हाफ के और डी स्क्वायर जो उसको कंप्रेस किया, जीरो से डी तक गया तो हाफ के डी स्क्वायर आया माइनस में, ठीक है. ये जब हमने इसका प्रूफ देखा था कि कैसे वेरिएबल फोर्स को एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट किया, जहां एफ की वैल्यू माइनस के एक्स थी, स्प्रिंग फोर्स में इंटीग्रेट किया था तो एक्स वन जीरो टू एक्स तक माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, राइट. तो यहां पे एक्स की वैल्यू डी है तो माइनस हाफ के डी स्क्वायर आया. यही दो फोर्स है बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन हुआ होगा. तो नेट वर्क डन की बात करें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर. तो उस हिसाब से ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा. तो दिस इज द वे वी कैन डील द क्वेश्चन. अब गलत होने के चांसेस कहां है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच लेते हैं, हम D को इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से हमारा चांसेस है गलत होने का. फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ऑप्शन आपको पहला ही ऑप्शन एम जी एच में रहेगा, ताकि आप गलत ऑप्शन टिक कर सको, राइट. सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर.